पंजाब में एक मामूली चपरासी की नौकरी करने वाला गैंगस्टर सुखा दुनके कैसे बन गया था कुख्यात। पिता की मौत के बाद उसकी अनुकंपा पर जिला कलेक्टर ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी लगी थी, लेकिन नौकरी उसे रास नहीं आई। नौकरी छोड़कर फर्जी पासपोर्ट के जरिए कनाडा गया और वहां पर उसकी मुलाकात खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला से, जिसके बाद वो बन गया एक कुख्यात गैंगस्टर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कनाडा में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर सुखा दुनके की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। कल कनाडा में पंजाब के गैंगस्टर सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनके की हत्या कर दी गई। सुखा के खिलाफ हत्या की कोशिश और डकैती के 18 मामले दर्ज थे। सुखा गैंगस्टर बनने से पहले मोगा में एक चपरासी की नौकरी करता था, लेकिन वो नशे का आदी था। नशे की लत ने उसे बदमाश बना दिया। वो लूट, डकैती और हत्या जैसी वारदातों को उसके बाद अंजाम देने लगा। पंजाब में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे। धीरे धीरे वो क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया और गैंगस्टर बन गया। सुखा पंजाब के मोगा जिले के दुनके कला गांव का रहने वाला था और वो दिसंबर 2017 में कनाडा भाग गया था। सुखा दुनके मोगा के डाला गांव के रहने वाले अर्शदीप सिंह उर्फ डल्ला का काफी करीबी था। ये दोनों पुराने बम्बीहा गैंग का हिस्सा थे, जिसकी अगुवाई बोल रूप से देवेंद्र बम्बीहा कर रहा था। 9 सितंबर 2016 को देवेंद्र बम्बीहा बटिंडा के गिलकला गांव के धान के खेत में एक मुठभेड़ में मारा गया था। देवेंद्र बम्बीहा की मौत के बाद उसकी गैंग के कुछ सदस्य विदेश भाग गए। सूत्रों की माने तो सुखा के खिलाफ उस वक्त 7 मामले दर्ज थे। 2017 में सुखा फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके कनाडा भागा था। कनाडा में सुखा अर्श डल्ला के संपर्क में आया। कहा जाता है कि डल्ला खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप निज्जर के संपर्क में था। एनआईए ने यूपीए के तहत 10 जून 2021 को दर्ज एक एफआईआर में कहा था कि अर्शदीप डल्ला और अन्य अपराधी निज्जर के इशारे पर पंजाब में जबरन वसूली और हत्याएं कर रहे हैं। पिछले साल 26 अगस्त को सुखा और कुछ अन्य बदमाशों पर यूपीए के तहत हत्याओं समेत आपराधिक कृत्यों के लिए भारत में युवाओं की भर्ती करने के लिए एक गैंग बनाने का आरोप लगा था। पंजाब में मार्च 2022 में ब्रिटेन के कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अंबिया की हत्या में भी सुखा का नाम सामने आया था। मई में अंबिया और रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ही खुफिया एजेंसियों ने विदेश में रहने वाले गैंगस्टर्स के रिकॉर्ड और पासपोर्ट की जांच शुरू की। अर्शदीप डल्ला और सुखा को अपराध के कई मामलों में मुख्य संदिग्ध पाया गया। पंजाब पुलिस के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पाया कि सुखा मोगा में तैनात कुछ पुलिस कर्मियों के मिली भगत से दूसरा पासपोर्ट जारी किया, जबकि पहले से उसका एक पासपोर्ट जब्त किया जा चुका था। साल 2022 में दो पुलिस कर्मियों पर नियम तोड़कर सुखा के पासपोर्ट आवेदन को मंजूरी देने का आरोप लगा था। मोगा एसएसपी जे एल एच जियान ने कहा है कि पुलिस इस बात का विवरण प्राप्त करने की कोशिश कर रही है कि सुखा ने पंजाब में और बाद में कनाडा में रहते हुए जुर्म के दुनिया में कैसे एंट्री मारी, वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल कैसे हुआ, उसकी माँ और बहन उसके साथ कनाडा में कैसे रहती थी। गांव के लोगों का कहना है कि सुखा के पिता एक सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। उनकी मौत के बाद ही सुखा को मोगा डीसी के कार्यालय में नौकरी मिली थी, लेकिन नौकरी उसे रास नहीं आई और वो गैंगस्टर बन गया और आज वो मारा गया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।